नमस्कार, मेरे साथ हैं संतोष मांझी जी। हाँ, हम पार्टी के सेकंड मैन। आइए इनसे बात करते हैं कि अभी जो बिहार में चुनाव को लेकर घमासान चल रहा है, उसमें उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आज तो जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और माना भी जा रहा है कि जेडीयू के साथ आप लोग जाएंगे। कब तक अनाउंस होगा? देखिए, आज की मुलाकात आप इसको राजनीतिक रंग नहीं दें। अगर दो राजनेता बैठते हैं तो कुछ तो राजनीति बात होती है, लेकिन उसका ये मायने नहीं है कि हम लोग गठबंधन या किसी चीज़ के गए थे। जहाँ तक हमारी पार्टी का है तो हम निश्चित तौर पर बिहार में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं, एक सशक्त भूमिका तलाश रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। और हमारे कार्यकर्ता जो इतने दिनों से हमारी पार्टी को ढो रहे हैं, चाहे हमारी पार्टी के साथ मेहनत कर रहे हैं, उनको भी एडजस्टमेंट होना है। उस पर विचार चल रहा है। हम समझते हैं 2 से 3 दिन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 30 तारीख का समय दिया है, 3 दिनों में हम ये बताने की स्थिति में रहेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं या हमारी रणनीति क्या है, हम चुनाव अकेले लड़ें या किसी के साथ गठबंधन करें। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ने धोखा दिया है आपकी पार्टी को? देखिए, धोखा हमें क्यों देंगे, वो धोखा तो अपने आप को दे रहे हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि जब जो व्यक्ति अगर 4-5 पार्टियों को लेके नहीं चल सकता, पूरे बिहार को लेके चलने का सपना देख रहा है, तो धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग जायज मांग थी, एक लोकतांत्रिक परंपरा है। हर पार्टी, जो डिफरेंट पार्टियां होती है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है और सब अपने अपने मुद्दों पर चलते हैं। जब जब हम गठबंधन करते हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है जिस पर सबकी सहमति होती है, उस पर आगे बढ़ना है। तो जो गठबंधन है उस बात को नहीं मानने को तैयार है, एट्रोसिटी का एकदम डिक्टेटरशिप है कि हम जो बात करें आप माने, तो कहीं ना कहीं उनकी सामंती विचारधारा नज़र आती है। और जनता का जो मुद्दे हैं, जो हम लोग भी जनता के मुद्दे को उठाने की बात कर रहे थे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, उसको लेकर नहीं चलना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब 5 पार्टियों को एक साथ नहीं कर सकते हैं, बिहार की राजनीति या बिहार का सपना कैसे देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग केवल जीतन राम मांझी की नहीं थी, सारे सहयोगी दल, चाहे वो RLSP हो, कांग्रेस पार्टी हो, VIP पार्टी हो, सबकी मांग थी, लेकिन सब पीछे हट गए, तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर कर दिया। मांझी जी क्यों नहीं झुके? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीतन राम मांझी जी की परवरिश और जिस समाज से वो आते हैं, उस समाज ने एक नज़ीर पेश किया है, बाबा दशरथ मांझी जी, जो पहाड़ का सीना चीर करके आगे रास्ता बनाए हैं और मुश्किलों से सामना करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी पार्टी को लगा होगा कि हमको महागठबंधन में रहना है, अगर उनकी बात को हम अवहेलना करते हैं और उनके साथ हम आंख दिखाते हैं तो हो सकता है कि हमको वहां से निकाल दिया जाए। टूटेंगे, टूट जाएंगे, झुकेंगे नहीं वाली सिद्धांत? जी एकदम, हम अपने सिद्धांतों से नहीं झुकेंगे, क्योंकि राजनीति कोई भी व्यक्ति करता है। जब हमने पार्टी बनाया है तो हम गरीबों की आवाज़ हैं, गरीबों की बात अगर नहीं मानी जाए, गरीबों की बात अगर नहीं सुनी जाए, आज आप एक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना सकते अगर उसमें हमारी बात नहीं मानते हैं, कल आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कैसे हम अपनी बात, अपनी गरीबों की आवाज़ को कैसे उठा पाएंगे? लगता है तेजस्वी यादव सरकार बना पाएंगे? वो सोच रहे हैं, मैंने ऐसा कहा सरकार बनाने का, मतलब मैं तो पहले ही आपको बता दिया कि 5 पार्टी को जो लेके नहीं चलता था, पूरे बिहार को लेके चलने की कैसे बात कर। थोड़ा सा पॉलिटिकल बात नहीं, पॉलिटिकल बात है, लेकिन आपको पॉलिटिशियन जैसा जवाब नहीं देना है जी, ईमानदारी से देना है जवाब। ये देना है कि JDU के साथ पॉजिटिव बातचीत आगे बढ़ रही कि नहीं? देखिए, राजनीतिक तौर पर तो कोई बात हुई नहीं है। अब जो राजनेता हैं बैठ के बात करके अभी आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे हम तो पूछे नहीं क्या बातें हुई हैं। और हम लोग को जो गाइडलाइन दिया गया है कि 30 तारीख तक हम लोग सारी बातों को तय कर लेंगे और उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत सारी लाइक माइंडेड पार्टियाँ भी आ रही है, हम लोग भी पॉसिबिलिटी तलाश कर रहे हैं। उसमें हम लोग की इच्छा भी है कि जो बिहार के हित के लिए अच्छा होगा, गरीबों के हित के लिए अच्छा होगा, जो हमारी पार्टी के लिए अच्छा होगा, जिसमें हमारे कार्यकर्ता खुश रहेंगे, हमारी पार्टी की मजबूती प्रदान होगा, तो हम लोग बात कर सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ जाने में सहज महसूस कर रहे हैं ना? सहज बुरी है? नहीं नहीं, सहज है, सहज की कोई बात नहीं है, जो बिहार के हित में होगा वो कार्य करेंगे हम। तो नीतीश कुमार ज्यादा हित में है उनके साथ जाना या तेजस्वी यादव के साथ बने रहना? देखिए, तेजस्वी यादव जी के बारे में तो हम बोल ही चुके हैं कि वो 5 लोगों को लेके नहीं चल सकते हैं तो पूरे बिहार को कैसे लेके चले। नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार जी के बारे में अभी हमने सोचा नहीं है, और अगर उस पर विचार आएगा तो नीतीश कुमार जी के साथ जा सकते हैं हम लोग। अब देखने रहे कि LJP लगातार मोर्चा खुले हुए हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, चिराग पासवान लगातार बयान दे रहे हैं। अब उनका ये व्यक्तिगत मामला है, उस मामले में हम जाना नहीं चाहते हैं और क्या किस मामले को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम जब अपनी बात सिर्फ करते हैं, हम अपनी रणनीति पर विचार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं उनके बयान को, उनके अभियान को, नीतीश विरोधी अभियान को?
देखिए नीतीश विरोधी अभियान तो हम नहीं कर सकते हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, वो मांग अगर बिहार के हित में हो तो मांग उठाने का सबको अधिकार है, उसको हम इस तरह से नहीं देखते हैं को विरोध कर रहे हैं। अगर मांग करने वाला अगर जायज़ मांग है तो नीतीश कुमार आदरणीय नीतीश कुमार जी उसको देखेंगे और उस पर देखेंगे कि सही मांग है तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। यानी 30 तारीख के पहले ये फैसला हो जाएगा कि जेडीयू के साथ जाना है कि नहीं जाना है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, सब कुछ। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि हम जेडीयू के साथ जाएंगे, ये तो संभावना है और कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और ये संभावना बन सकती है तो चले जाएंगे। बन रही है कि नहीं अब अभी तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे, आने वाला एक दो दिन में अगर संभावना नजर आएगी तो हम आपको बोल देंगे। आज की मुलाकात में कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिला? आज की मुलाकात में जो मुझे बताया गया कि आज हम लोग कुछ विकास के मुद्दों के लिए, उनके क्षेत्र का कुछ मुद्दा था उस पर बातें हुई हैं और कुछ व्यक्तिगत बातें हुई होंगी, जब नेता बैठते हैं तो कुछ बातें होती है, लेकिन हमें अभी इसकी जानकारी नहीं क्या बातें हुई हैं, बात करेंगे तो फिर बताएंगे आपको। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी मिल चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने अपना पत्ता नहीं खोला है। दरअसल जीतन राम मांझी बड़े दलित नेता हैं और वो चाहते हैं कि जिस दल में भी जाएँ अपनी शर्तों के साथ जाएँ, अपनी शर्तों पर जाएं, और अभी तो बातचीत की शुरुआत हुई है, अगले एक दो दिनों में अंतिम फैसला मांझी जी ले लेंगे।